ईशा जो है वो बिग बॉस में जा रही है, उन्होंने ये न्यूज़ कंफर्म भी की है। अरे वाह, क्या विशेष देना चाहते हैं ईशा को, बिकॉज़ इट्स अ मैड हाउस, बिग बॉस इज अ मैड हाउस, एवरीवन नोस दैट। क्या क्या बोलना चाहते हो ईशा को? ईशा को मैं ये बोलूंगा कि मैं हमारा एक बड़ा एक, जब भी मैं उससे बात करता हूँ, जब भी कुछ ऐसा कन्वर्सेशन होती है, तो बोलता है माजी छुटकी, एक मेकअप आर्टिस्ट है नीलेश दादा, वो जब भी उससे मिलते हैं हमेशा बोलते हैं आ रे माजी छुटकी कैसी रे तू, तो मैं भी उसको वैसे ही बोलता हूँ माजी छुटकी कैसी री। तो मैं उसको बोलूँगा कि वो रॉक कर देगी, मैं गारंटी ले सकता हूँ इस बात की कि बिग बॉस में धमाल करने वाली है ईशा। और जो उसकी रियल पर्सनैलिटी है बहुत बेबाक है, बहुत वो ऐसी है कि अगर आपकी बॉन्डिंग उसके साथ बन गई, मैंने उसको, और बहुत रिलैक्स है वो दिमाग से, वो हावी नहीं होने देती चीज़ों को, ये सबसे अच्छी बात है उसकी। कि मैंने कई सिचुएशन में अपने आप को वैसे देखा कि मैं प्रेशर ले लेता हूँ, परेशान हो जाता हूँ, नहीं, उस वो आएगी, वो अपना काम करेगी, वो पार्टी भी करेगी, कोई प्रेशर नहीं है, वो ब्लेस्ड है। तो ईशा के लिए मेरी विशेज यही है कि वही जीत के आएगी, और इस बात को बोलने के लिए जो मुझे 1500 रुपये देने वाली है वो मैं उससे ले लूंगा। ईशा, हाय गाइस, आई एम हितेश भारद्वाज एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए।